या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्कारस्यै 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 नमो नमः। पीएम नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में महंगाई के खिलाफ एक अनोखा प्रदर्शन किया गया है। वाराणसी में नींबू के बढ़ते दामों के खिलाफ लोगों ने देवी के सामने ही नींबू की बलि देकर प्रदर्शन किए हैं। हे परम आदरणीय माँ दुर्गा देवी, हम गरीबों के घर से, हम लोगों का सबसे प्रमुख फल जिसे नींबू कहते हैं, सरकार के द्वारा महंगाई के द्वारा। वाराणसी के सामाजिक कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को शहर में नींबू की बलि देकर इसकी महंगाई से मुक्ति मांगी है। वाराणसी के फुटकर बाजार में नींबू के दाम 10 से 15 रुपए के बीच पहुंच गए हैं। नींबू का दाम आप देख रहे हैं, आसमान छू रहा है। और तंत्र पूजा का भी सबसे प्रमुख सामग्री नींबू होता है। हम लोग के घर, जो गरीब गुरबे घर के लोग हैं, वो इतना प्रचंड गर्मी बढ़ने के बाद जो है डिहाइड्रेशन का रोग जो है हर घरों में आ गया है। हम लोग नींबू पानी का सेवन करके अपने बच्चों को, अपने परिवारजनों को सुरक्षित कर लेते थे। पिछले एक महीने से लगातार जो है नींबू का जो दाम बेतहाशा बढ़ा है, उससे हम गरीब गुरबों के परिवार से नींबू का पलायन हो चुका है। एक एक नींबू 15-15 रुपये का मिल रहा है और सरकार कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। जमाखोरों के सामने, नींबू के जो जमाखोरे हैं, जो कालाबाजारी लोग, व्यापारी लोग करते हैं, उसके सामने प्रशासन भी घुटना टेकी हुई नजर आती है। ऐसे विकट स्थिति में हम लोगों के सामने माँ भगवती का ही एक सहारा था। आज हम लोगों ने नींबू का बलि दे करके माँ भगवती के श्री चरणों में और वहाँ तंत्र पूजा किया है। उम्मीद है कि 2-3 दिन के बाद नींबू के दाम में अप्रत्याशित गिरावट आएगी। एक नींबू के लिए इतनी कीमत देने वाले लोगों का कहना है कि भारतीय परंपराओं में नींबू की बलि देकर कष्ट से मुक्ति मांगी जाती है, इसलिए महंगाई के कष्ट से मुक्त होने के लिए देवी के सामने अब इसकी बलि दी गई है। माई दुर्गा की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। बता दें कि वाराणसी समेत पूरे देश के अलग अलग हिस्सों में नींबू के दाम में बेतहाशा बढ़ोतरी ने लोगों को मुसीबत में डाल दिया है। इस गर्मी के सीजन में नींबू को लोगों की जरूरी आवश्यकताओं में गिना जाता है। इससे उन लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है जो बेतहाशा पड़ती गर्मी में शिकंजी और गन्ने के जूस के सहारे इस गर्मी से निजात पाते थे। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।